अभी तक जो रहा है इंडियन डायस्पोरा ने एक बहुत बहुत बड़ा वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वहां पे हजारों लोग पहुंचे हैं और उनको जो वेलकम मिला है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इन द सेंस के इससे पहले मोदी को ही ऐसा वेलकम मिला था मेडिसन स्क्वायर में, और दोबारा मोदी को ही मिल रहा है, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऐसा वेलकम मिला नहीं है आज तक। तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर रहे, सिर्फ फोन का इंतजार कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और वो फोन नहीं कर रहे। तो अब उनके घर पे पहुंच के अगर वहां पे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले तो भी हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मोदी जी को छींक आ जाती है तो पाकिस्तान में डिबेट होने लग जाती है। तो अभी तो मोदी जी यूएसए गए हुए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी जी यूएसए जाए और पाकिस्तान मीडिया उसको लेके कोई डिबेट ना हो, कोई बातचीत ना हो? क्या प्लान है मोदी जी, कैसे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, क्या मोदी जी करने वाले हैं, क्या होने वाला है? ये अगर दुश्मनों के मुँह से सुना जाए तो ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। सही बात है। आज अपने बात में थोड़े से प्रो पाकिस्तानी है जिनको आपका भाई आपके लिए लेके आया। आप वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं पाकिस्तान में सारे लोग खराब है, कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो आज आपका भाई थोड़े अच्छे लोगों को आपके लिए लेके आया। वीडियो को देखिए, आपका भाई मिलेगा वीडियो के एंड में। बहुत अहम मीटिंग है, द रीजन बीइंग कि जो बाइडेन के आने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है और ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिनकी मोदी से मीटिंग होगी। इससे पहले ओबामा से हम लोगों ने देखा चाय बनाते हुए और झूला झूलते हुए देखा इनको वहां पे अहमदाबाद में ट्रंप के साथ, और उसके बाद यहाँ पर इनकी एक पर्सनल रैपो बन जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे। अब देखते हैं बाइडेन से कैसी रहेगी फर्स्ट मीटिंग, और इस मीटिंग में उम्मीद है बात तो बहुत सारे टॉपिक्स पर होगी, रीजनल सिक्योरिटी पे होगी, क्वाड पर होगी, चाइना पे होगी, पाकिस्तान पे जरूर होगी, और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा इशू होगा ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये कमला हैरिस से भी बात करेंगे। कमला हैरिस की जो मदर हैं वो इंडियन ओरिजिन की थी, और कमला हैरिस जो हैं वो इंडियन इश्यूज पे काफी बोलती रही हैं। वैसे तो क्रिटिकली थी जब तक इलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका जो व्यू पॉइंट है बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज हुआ। वहां पर इनकी मीटिंग जो हम इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे भी होगी, साथ में क्वाड की मीटिंग में भी जाएंगे लोग। तो क्वाड की मीटिंग भी है यूएनजीए में, यूएन जनरल असेंबली में भी इनकी एक एक तकरीर है जो कि एक बहुत ही जिसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या बोलने जा रहे हैं। खासी अच्छी मीटिंग होगी, खासी अच्छी ये ट्रिप बहुत अच्छा रहना चाहिए। अभी तक जो रहा है इंडियन डायस्पोरा ने एक बहुत बहुत बड़ा वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वहां पे हजारों लोग पहुंचे हैं और उनको जो वेलकम मिला है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इन द सेंस के इससे पहले मोदी को ही ऐसा वेलकम मिला था मेडिसन स्क्वायर में, और दोबारा मोदी को ही मिल रहा है, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऐसा वेलकम मिला नहीं है आज तक। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जी अमेरिका गए हुए हैं और वहां पे उनकी एक्टिविटीज जो है वो इंडियन मीडिया धड़ाधड़ दिखा रहा है, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो नहीं गए हैं, वो यहाँ से ही अपना रिकॉर्डेड मैसेज जो है उनका वो फ्राइडे को दिखाया जाएगा वहां पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर। तो इसलिए कि जी मोदी जी को पैसे खर्च करने की आदत है, मोदी जी बहुत फजूल खर्चे हैं, मोदी जी बहुत पैसे उड़ाते हैं, इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते, और वो तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से कभी किसी से, लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि जी वापस जहाज अपना बुलवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, आप जानते ही हैं कि कब से इमरान खान साहब उनके फोन का वेट कर रहे हैं, अब तो सीएनएन ने, बीबीसी ने, अब तो हर जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया, इस बात पे बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर सब कह रहे हैं कि जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए,
तो जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, जहाज वहाज का कोई मसला नहीं था, हम कहीं और से अरेंज कर लेते। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी हमें तैयार हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहीं जाना हो, वैसे भी इतने सारे लोग गए तो हैं। शायद वो आपने देखा ही है कि वो आफरीदी जो है, शहरयार आफरीदी, वो जो जिन्हें एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था और फिर कपड़े वपड़े उतार कर उनका चेकअप किया गया था, तो वो गए हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब गए, बहुत से लोग गए, तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे। इतनी कौन सी बड़ी बात है, अगर मोदी जी जा सकते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, ये समझ समझिएगा। वैसे मोदी जी की बड़ी पिक्चर्स आ रही है ना कि यूं जहाज में बैठ के ना, प्लेन में बैठ के पेपर्स देख रहे हैं, तो इस तरह से ना पैसे की नुमाइश नहीं करनी चाहिए मोदी जी। इंसान को आप जैसे सादा है ना, तो उसी तरह की सादी सी कोई पिक्चर आप दे सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात सारी है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं गए। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो जो है वो एक जरा सी कॉल जो शायद एक डॉलर की होगी, अगर बहुत लंबी बात भी खान साहब ने की और बहुत सारे दुखड़े भी सुनाए, तो एक डॉलर से ज्यादा की वो कॉल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं कर रहे। कितने दिनों से खान साहब कह रहे हैं कॉल कर लो, नहीं कर ले। एक बार एब्सोल्युटली नोट क्या कह दिया, नोट नहीं सॉरी नॉट तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर। तो अगर आप सोचिए कि खान साहब भी चले जाते हैं अमेरिका, ठीक है मोदी जी गए तो खान साहब भी पहुंच जाते हैं यहां से, इमरान खान साहब, और वहां पे जाते और वहां पे जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते, चाय पीते, बिस्किट खाते, खाना खाते, बातें करते, जो भी उन्होंने आपस में डिस्कस करना है। वो तो सुना है ना कि एयर बेसिस की भी बात हो रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो अगली बार जो है वो पाकिस्तान के बजाय जो है वो इंडिया से एयर बेसिस ले ले। मतलब ये कि अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो इंडिया दो चीजें कर देगा ना पाकिस्तान, एक तो हमारी पेट पे लात मार देगा सीधे सीधे, क्योंकि जाहिर है कि जब आप एयर बेसिस इंडिया से वो ले लेगा तो फिर वो डॉलर भी इंडिया को चले जाएंगे, और उसके बाद वो इंडिया से कहेगा कि जी जब हमारे जहाज, इंडिया उससे कहेगा कि जब आपके जहाज अमेरिका के, यानी अमेरिका के जब फाइटर प्लेन्स या किसी भी तरह का ड्रोन श्रोन क्या क्या होता है वो जब जाएगा अफगानिस्तान पे या तालिबान पे या किसी के ऊपर भी, दो चार आपको पता नहीं छोटे छोटे पापा वाले, हाँ बिल्कुल भाई पापा वाले बम गिराने के लिए, तो वो कहेंगे कि दो इधर पाकिस्तान में भी टपका देना। तो फिर आपको पता है कि अगर पाकिस्तान में टपकाया तो पाकिस्तान में बहुत से लोग टपक जाएंगे, तो उसमें जो है वो ये चीज कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने सोचा कि वो ना जाए। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कब से फोन का इंतजार कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो फोन नहीं कर रहे, तो अब उनके घर पे पहुंच के अगर वहां पे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले तो भी हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो वैसे तो खैर हमारा मानना यह है कि बेइज्जती उतनी ही होती है, यानी बेइज्जती उतनी ही होती है, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी आप महसूस करें, और हम लोग महसूस नहीं करते। हमारी बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता, तो यही वजह है कि हमें महसूस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आराम से अपनी मीटिंग कर ले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, हम फिर कभी देखेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फिर किसी और वक्त किसी और जगह पे अगर कोई मीटिंग हुई तो जाके मिल लेंगे। कई टेलीफोन पर कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की हो चुकी है इस शॉर्ट स्पैन में, तो कोई सर हमें कॉल नहीं करते वो, हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं करते, देखिए सबसे कॉल भी कर रहे हैं, हॉटलाइन पे बात भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। हाँ वो तो मतलब खुद पाकिस्तान के एनएसए जो हैं वो बड़े गिले से कह चुके हैं भाई हमें कॉल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल से तो वो मायूस हो ही चुके हैं, अब वो उसका जिक्र नहीं करते, अब वो जल्द ही शायद जो बाइडेन की कॉल से भी मायूस हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ना ही कॉल आए पाकिस्तान को तो अच्छा है, हो सकता है कॉल आएगी तो डांट भी साथ सुनने को मिले। तो देखिए ना, मतलब टोनी ब्लिंकन ने अभी पिछले हफ्ते ही कांग्रेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, अभी इनडायरेक्ट मैसेज है ना पाकिस्तान के लिए, तो डायरेक्ट मैसेज भी वो यही देंगे, और शायद और भी इनडायरेक्ट मैसेज दे ही रहे होंगे, चूंकि पाकिस्तान चाइना का अपने आप को इलाही समझता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से चाइना भी खुश नहीं, ये अलग बात है कि पाकिस्तान चाइना के चुंगल से निकलना भी चाहता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहरहाल उनके ब्लॉक में बैठा हुआ है, मजबूरी ही सही, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी, चूंकि
उनका जो राइवल कंट्री है भारत, जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, ना साइज में, ना इकोनॉमी में, ना कल्चर में, ना सरकमस्टांस में, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो पता नहीं मतलब मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हमारा कोई मुकाबला है भारत से। कोई है ही नहीं मुकाबला। वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 6-7 इकोनॉमीज है, मतलब दूसरी बड़ी जमहूरियत है अपने एज के तबार से, साइज के तबार से पहली बड़ी जमहूरियत है, ठीक। तो कोई मतलब कोई तुक्की नहीं बनता कि कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की भी आपस में बातें होंगी, उसमें जापान के भी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अलग अलग सब की आपस में बातें होंगी, तो वो सब इन्हीं मुद्दों पे होंगी ना। चाइना होगा, इलाके की सिक्योरिटी होगी, अफगानिस्तान भी एक छोटा सा इशू जरूर होगा, और जब फिर अफगानिस्तान की बात होगी तो पाकिस्तान का भी जिक्र होगा कि भाई तालिबान को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना, उनको कोई ऐसी हरकतें नहीं करनी। तो जाहिर है जब ये बात होगी तो फिर पाकिस्तान का जिक्र होगा कि भाई अगर तालिबान को हद से ज्यादा बढ़ते हैं तो पीछे कौन है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान खुद मानता है, ठीक है। या तो हो ना कि पाकिस्तान ये कहता हो हमारा कोई तल्लक नहीं है, हम नहीं जानते तालिबान कौन है। वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में जो भी फितूर चल रहा है ना, मोदी जी को लेके, पाकिस्तान को लेकर, यूएसए को लेके, अमेरिका को लेके, भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप को लेके, जो भी आपने वीडियो में देख के आपके दिमाग के अंदर जो भी बात आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कमेंट एक पाकिस्तान के मुँह पर होता है तमाचा, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स वहाँ पर रीड किए जाते हैं, वो इंडियन व्यूज देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिए अच्छे बच्चे की जैसे। नहीं, अब मैं करता हूँ आपसे कुछ पर्सनल बात। पहली बात तो ये कि आपके भाई की जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो भाई। वहाँ पे भूखे नंगों की तरह है, 150 फॉलोवर भी नहीं है आपके भाई के, तो कम से कम इतना तो लाज रखो यार, 1000-2000 तक तो पहुँचा दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का। आज आपके भाई की और तबीयत खराब, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मैं भी दवाई खा लेता हूँ जाके, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।